गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो सारे कर्मों को मेरे अर्पण कर दे और अनन्य भाव से और मेरा ही ध्यान करे। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करने के लिए मैं तत्काल प्रकट हो जाता हूँ, देरी नहीं लगती एक मिनट की भी। गजराज ने केवल एक फूल उठाया और पहले तो उसको अपना बड़ा घमंड था, मैं ताकत वाला हूँ, मेरे बच्चे ताकत वाले हैं, मगरमच्छ मेरा क्या कर लेगा। खूब लड़ा लेकिन जब हार गया सब तरह से और डूबने लगा पानी में, देखा कि कोई साथ नहीं देता है इस संसार में, एक भगवान देते हैं, तब खाली सूंड सूंड बाद रही तो एक फूल उठा करके पानी में से और कहा हे हरि। हा मुंह से निकला, र निकला ही नहीं कि भगवान प्रकट हो गए और झट उसी समय गजराज की रक्षा करी और गजराज का मस्तक काट दिया। तो ऐसे में हमारे प्रभु तत्काल प्रकट हो जाते हैं, पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा ये बाकी का सारा काम आडंबर है। सबरी में श्रद्धा थी, भगवान ने झूठे बेर खाए उसके। रावण में श्रद्धा नहीं थी, आज भी रावण का कोई नाम लेते समय भी सब कुछ करता है, और उसको भगवान राम में श्रद्धा नहीं थी। तो सारे कर्मों को मेरे अर्पण कैसे करें, कैसे क्या मामूली बात है, ये सब औरतें करती तो है। ये अपने जिस दिन से पिता का घर छोड़ के आई है पति के पास, फिर उसने पति का घर ही अपना घर समझा है, पिता का घर अपना घर नहीं, और तमाम काम करती है, पति के घर में झाड़ू लगाती है पति की सेवा है, बर्तन मांझती है पति की सेवा है, बिस्तरा बिछाती है पति की सेवा है, भोजन बनाती है पति की सेवा है, पति के बच्चों को पालती है, उनकी गंध धो साफ करती है पति की सेवा है। ये तो हमने सीख लिया है। तो जिस प्रकार ये सारा काम उसका पति का ही है और पति के लिए वो करती है, बस थोड़ी सी आगे और बढ़ जाए, ऐसे ही सारा काम परमात्मा का है और परमात्मा के लिए करे तो बस वो जो स्त्री है वो पति भक्ता से भी श्रेष्ठ है, ईश्वर के भक्त। आज मीराबाई का नाम मशहूर है, भगवान की भक्त थी, पति का तो त्याग कर दिया था पर भगवान का चरण उसने पकड़ लिया, भगवान की शरण ले ली, आज वो अमर है। कोई भी शायद ही ऐसा कोई मूर्ख आदमी होगा जो मीराबाई का नाम नहीं जानता होगा। भगवान कहते हैं उसको मैं तत्काल मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करता हूँ, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ ताकि पीछे वालों को आराम से जगह मिल जाए। हाँ आगे आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा जो है ये अंगूठी नहीं उतारूंगा। हाँ डर रहता है बाबा जी ये पता नहीं क्या करें। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।
अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। पहले तो भगवान ने कहा कि तुम सब कर्म मेरे यदि अर्पण कर दे, बस फिर मैं तत्काल मृत्यु रूपी संसार सागर से तुझे पार कर दूंगा। लेकिन अर्जुन तो हमारा प्रतिनिधि था ना, वो हमारे लिए पूछ रहा था भगवान से, महाराज सब काम हम आपके लिए न कर सके, तब कोई और तरीका नहीं है अब सागर से पार होने का। भगवान कहते हैं और भी है, बोला और क्या है, बोला मन और बुद्धि मेरे में लगा दे, मैं ये वो मन आहत मई बुद्धि निवेश है, मन और बुद्धि मेरे में लगा दे तो भी वो मुझ में ही प्राप्त हो जाएगा, तो वो भी भवसागर से पार हो सकता है और हो जाएगा। अर्जुन ने कहा महाराज ये बात तो ठीक आपने कही, पर मन और बुद्धि दोनों आप में कैसे लगा दें, हमारे तो और प्रपंच बहुत है, बच्चे हैं, बीवी है, घर है, बार है, दुकान है, अब उनमें भी वो सब हमारे मन में फंसे हुए हैं, अब उनको कैसे निकाल दें। तो वो मन में रहे, फिर कोई आसान तरीका हो तो बताओ। तो भगवान ने और आसान बताया कि कोई बात नहीं, अगर मन बुद्धि मेरे में नहीं लगा सकता है, अतः चित्तम समाधातम न शक्नोषि मयि स्थिरम, तो अभ्यास योग कर, अभ्यास योग कर। अभ्यास योग कहते हैं एक ही चीज को बार बार करते रहने, जैसे जप कर देंगे नहीं, राम 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 दिन भर करते रहो, ये देवियां गाती तो है कि राम रटते रहो काम करते रहो, बोलती तो है पर रटती नहीं है राम को, रटती फिर संसार के विषय भोगों को ही है। कहते हैं अगर बराबर रोज करता रहे अभ्यास, ये आपका अभ्यास है, आप रोज यहाँ आते हो ना आजकल, है बराबर आज 12वां अध्याय चल रहा है, 11 अध्याय तक आप लोग रोज आते हैं, ये आपका अभ्यास योग। अभ्यास योग भी जो करेगा तो भगवान कहते हैं उसको भी मैं आसानी से मिल जाऊंगा, क्यों, लेकिन उसमें एक शर्त है, अभ्यास करे पर मन में मेरा ही ध्यान रखे। अब आप यहाँ आते हो ना, गीता में ही जब आपका मन है तो आपका कल्याण जरूर होगा, गीता में नहीं है भगवान के अंदर आपका मन है तो भी आपका कल्याण जरूर होगा। मन आपका यहाँ रहना चाहिए, लेकिन आप आते तो यहाँ हो और ध्यान आपका बाहर जूतों में है, क्या चलते समय किसी के नए चप्पल पहन के चल देंगे, तो मन में आपके मन में जो जूता है तो मिलेगा क्या, भगवान कहते जो मन में है वही मिलेगा, अगर मन में है भगवान तो आपको भगवान मिलेंगे, मन में है गीता आपको गीता मिलेगी, और मन में है अगर आपको मेरा रूप तो मैं भी आपको मिलूंगा, और मन में है आपके जूता और चप्पल तो आपको क्या मिलेगा, अब नाम मत लो हाँ, पर मिलेगी वही चीज जो आपके मन में है। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये तो कठिन बात है, हमारे मन में तो हमारे बच्चे बीबी सब हैं, उनको कैसे निकाल दें, तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मन में वो बच्चे भी रहें और फिर आपका कल्याण हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। तो कहते सुनो और है, अभ्यास है, अभ्यास योग नहीं कर सकता है मत कर, यहाँ नहीं आ सकते ना, कल नहीं आओगे आप, कोई ना कोई कोई पार्टी हो गई तो चले जाओगे वहाँ, या किसी का देवर जेठ या भाभी भतीजा आ गया एयरपोर्ट पर तो वहाँ एयरपोर्ट पर चले जाओगे, नहीं आओगे, सत्संग की छुट्टी हुई। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तू अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो एक और आसान चीज है, बोला महाराज वो बताओ, अभ्यास समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। तू अगर मदर्थ कर्म करेगा तो मदर्थ कर्म करने से भी तुझको सिद्धि मिल जाएगी, यहाँ सिद्धि का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति, हाँ, तो कहते हैं तो भी तुझे मिल जाएगी। अब बोला महाराज ये भी नहीं कर सकूं तो, कि संसारी लोग हैं ये मदर्थ कर्म कैसे करेंगे,
आपके लिए निमित्त कैसे कर्म करेंगे, इनके तो अपने ही कर्म हैं, घर के धंधे ये भी पूरे नहीं हो रहे हैं। ये सब इतने बैठे हैं, जब गीता भक्त हैं क्या? गीता भक्त तो वो है जो कल से कहते कि स्वामी जी अब आज से मैं आपके साथ कोई नहीं कहेगा कहेंगे हम जी हम तो ऐसे ही आते हैं तमाशा देखने के लिए हमारा जो कर्म है वो तो पेटार्थ कर्म है, पेट के लिए हमें कोई लाभ हो कहीं से आप दिला सको ज्यादा रुपया वगैरह तो बताओ, हम वहां चलने को तैयार हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि भगवान अगर तो इसमें भी असमर्थ है, भगवान कहते हैं अथई तदप्य शक्त होती, अथई तदप्य शक्त होशी कर तुम मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर तू इसका में भी आशक्त है, तू नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं मत कर, तू सारे कर्म किए चले जा, और तुझे पता तो है कि एक दिन सब छोड़ना है, तो सारे कर्मों के फल का त्याग कर दे, जो भी तू कर्म करे कर, कर्म का फल जो भी भगवान दे अच्छा है बुरा है उसमें अटैचमेंट मत रख, चल छुट्टी हो गई, सत्संग में भी मत आओ, मंदिर में भी मत जाओ, उम्मीदा भी मत पढ़ो, कुछ मत करो। तो जिस तरह सत्संग से मन हटा लेते हो ऐसे ही उन सब के कर्मों को भी करते रहो, कर्मों के फलों से मन को हटा लो। ऐसा भी अगर तू करेगा, लेकिन इसके करने में एक काम करना पड़ेगा, यथात्मवान अपने इंद्रियों को बस में रखना होगा। और तो देखा महाराज ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, कर्म के फल का हम त्याग करें फिर क्या करें? अब भगवान ने इतना तो बता दिया, भगवान क्या करें? अंत में भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये जो मैंने सब बताए हैं एक बार तो इनका फिर सुन ले। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, और ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है, और ध्यानात् कर्म फल त्यागस, और ध्यान योग से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, और त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, और त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है, यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह शांति का मतलब भी परमात्मा का ही लेना चाहिए। त्यागी को परमात्मा मिलते हैं, रागी को नहीं मिलते। तो इसलिए और त्याग में हर जगह सुख और शांति है, हर जगह। मान लो घर में किसी का झगड़ा होता है, दो भाई भाई का, एक भाई अपने जिद को त्याग दे, झगड़ा खत्म। दिलानी जिठानी का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, क्या होता है वहाँ? कोई जमीन जायदाद का तो झगड़ा है नहीं, बात का झगड़ा है। और एक जनी अगर अपनी बात को छोड़ दे, झगड़ा खत्म, प्रेम हो जाएगा, शांति हो जाएगी। और झगड़ा है ही किस बात का? त्याग में शांति है। एक घड़े के अंदर कुछ सेब रखे हुए थे, बंदर आया, बंदर ने देखा और झट उसने हाथ डाला, सेब को पकड़ लिया, क्योंकि वो भूखा होता है खाने का ना, सेब को पकड़ लिया। लेकिन जब हाथ बाहर निकाले तो हाथ नहीं निकले, घड़े का मुंह था छोटा, सेब था बड़ा, और फिर ऊपर से मुट्ठी इसने और बांधी हुई थी, और वो हाथ निकले नहीं, हाथ फंस गया। अब बंदर ने रोना शुरू किया, ची 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 करे, हाथ नहीं निकले, हाथ फंस गया। अगर वो सेब छोड़ दे तो आनंद, पर नहीं छोड़ा, रोता रहा, छोड़ा सेब नहीं छोड़ा, तो रोता रहे। तो रागी जिंदगी भर रोता रहता है, छोड़ता नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं राग छोड़ दो, छोड़ते नहीं है, रोते रहते हैं, फंसे रहते हैं उसी के अंदर। उसमें स्वाद आता है, जो गृहस्थी में स्वाद है वो त्याग में स्वाद थोड़ा ही है।
त्याग में तो खाली शांति और आनंद है, और गृहस्थ में विषयों का भोग है, मजा है, आनंद है। तो नहीं छोड़ा अर्जुन ने, जब उसने छोड़ा नहीं बंदर ने, इतने में जिसका घड़ा रखा हुआ था सेव का, वो आ गया। उसने क्या किया कि एक लाठी ली और बंदर की पीठ पे दो चार दें दें कस के मारी, और मारते ही बंदर रोया एकदम और सेव छोड़ के भाग हाथ निकल गया। अगर पहले छोड़ देता तो ये लाठियां तो खानी नहीं पड़ती, लेकिन पहले नहीं छोड़ा, कम वक्त ने लाठियां खाने के बाद छोड़ा। वो लाठियां क्या है, तीन लाठियां हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो लाठियां क्या है, तीन लाठियां हैं, हमारे यहाँ त्रिपाठी ही है ना, तो हम उनको कहते हैं त्रिपाठी नहीं हो आप, त्रिलाठी हो। तीन लाठियां पड़ती है तब आदमी छोड़ता है। तीन लाठियां क्या है, एक तो लाठी है बुढ़ापा, यह ऐसी लाठी है कि किसी को नहीं छोड़ती, और जहां बुढ़ापा आया और बस फिर तो अपने आप त्यागी बनते हैं। मैंने एक आदमी को बादाम दी, उसने बादाम ले ली और सब बांट दी। मैंने कहा तुम क्यों नहीं खाते हो, बोला दांत नहीं है कैसे खाएं बादाम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक मैंने उनको दिया, ये क्या होता है, रेडियो, तो ये रेडियो में गाने वगैरह सुना करना, ये उसको दे दी। वो भी उसने दूसरे को दे दिया, अरे ये क्या हुआ, बोला मैं मुझे कान सुनाई नहीं पड़ता है। वो क्या करेगा रेडियो, टीवी दे दी, गले टीवी देख। उसने टीवी भी दूसरों को दे दी, बोला क्यों, बोला दिखता तो है नहीं है, मैं देखूँ क्या। अजनो ये बुढ़ापा जो है बड़ा खराब है, इस बुढ़ापे का खाका बड़ा अच्छा खींचा है उसने, भर्तृहरि हरि महाराज ने बड़ा आनंद लिखा है, कभी मौका लगे तो बड़ा करना। भर्तृहरि महाराज ने शतक लिखे हैं तीन, तो श्रृंगार शतक तो मत पढ़ना, नहीं तो गाड़ी दूसरी लाइन पे चली जाएगी तुम्हारी। पर वैराग्य शतक अगर पढ़ोगे और नीति शतक, कल्याण हो जाएगा। उसने एक बुढ़ापे के लिए लिखा है कि बुढ़ापा कैसा है, गात्रम संकुचितम गति रवि गलिता भ्रष्टा चदंतावली दृष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं चलालायते वाक्यं नाद्रियते च बांधवजनो भार्या न सुसुसते। फिर माता पीठ के पर हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस पुत्रोप्यमित्रायते। भर्तृहरि महाराज कहते हैं इसमें गात्रम संकुचितम, बुढ़ापे में इस चमड़ी में सल पड़ जाते हैं सारे, लेकिन बुढ़ा बड़ा चतुर होता है कि सल पड़ गया तो क्या हो गया, क्रीम लगा के पाउडर लगा लेते हैं, पीछे लोगों को पता थोड़ी लगता है। गात्रम संकुचितम कहते हैं गतिर विगलिता, पैर इधर धरे तो उधर गए, पांव साथ छोड़ देते हैं बुढ़ापे में, बैठ जाए तो उठना मुश्किल, उठ जाए तो बैठना मुश्किल, चलना तो और भी मुश्किल, लेकिन बुढ़ा चतुर है तो कोई बात नहीं है। अगर पैर इधर उधर गए तो तीसरी टांग ले आता है लाठी, लाठी के सारे चढ़ता है। तीसरी टांग आ गई बुढ़े के पास, गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टाच दंतावली, दांत टूट गए सारे,
सारे दांतों ने भी साथ छोड़ दिया बुढ़ापे में, अब कुछ खा नहीं सकता है और मुंह में दांत नहीं, चूहे के बिल जैसा मुंह हो गया, पॉप 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 करे और बच्चे देखे और हंसे, बच्चों के लिए खेल हो गया। लेकिन बुढ़ा बड़ा चतुर, उसने कहा कोई हर्ज नहीं है, डेंटिस्ट के पास गया, डेंचर बना करके आ गया, फिर जवान बन गया। आप बताओ ये भगवान की प्रकृति को भी कैसा धोखा देता है बूढ़ा, भ्रष्टाच दंतावली, दृष्टि नश्यति, अब दिखता नहीं है, ऐसे करके देखते कौन आया, अरे कौन है। लेकिन बूढ़ा चतुर है, कोई बात नहीं, और किशन के पास गया, चश्मा बना के ले आए, अब फिर देखने लग गया है, अब फिर आँख तेज हो गई, कहाँ कहाँ भगवान है, तो भगवान को भी चकमा देने वाला है, ये ऐसा जानवर बनाया है भगवान ने, देखिए सींग लगाया नहीं, पूंछ लगाई नहीं, फिर भी है बड़ा खूंखार, बड़ा डेंजरस, बड़ा रिवेंजफुल एनिमल। तो कहा कि देखो अच्छा भगवान ने ऐसा किया है, कोई बात नहीं, चश्मा लगा लिया, अब क्या करेंगे भगवान। अरे कानों ने भी साथ छोड़ दिया, सुनाई नहीं पड़े, तो वो एक कान के लगाते हैं, क्या कहलाता है वो, इयरिंग गेट, सब जानते हैं आप लोग, सारे होशियार हैं ये, एक से एक बुढ़े ने वो लगा लिया और आप सुनने लग गया, बोला अब क्या करेंगे भगवान। दृष्टि नश्यति वर्धते बधिरता, वक्तम चला लाए थे, मुंह में से थूक उछले बोले तो थूक के छींटे पड़े। घरवाली भी कहती है, जो पहले खूब प्यार करती थी, अब घरवाली भी कह, जरा मुंह उधर रखो थोड़ा सा, छींटे आते हैं थूक के, ऐसी बात है भाई, वर्धते वक्रम चला लाए थे। वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनो, सब आगे पीछे नाचते थे हमारे भाई भतीजे, बुढ़ापे में कोई पास में नहीं आता, कुछ बोलते भी हैं तो कहते आप चुप करो, हम सब जानते हैं, हम ठीक कर लेंगे, आप बोलो मत, आप पढ़े तो हो नहीं, यूनिवर्सिटी में आप कब गए थे, वो पढ़े लिखे हैं बच्चे, बांधव जन भी बात नहीं सुनते, बंधु बांधव सबने साथ छोड़ दिया, पर घरवाली तो अग्नि की साक्षी देकर के प्रतिज्ञा करी थी कि जब तक जीऊंगी मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारे बिना मैं रहूंगी कैसे प्राणनाथ। वो घरवाली ने भी बुढ़ापे में साथ छोड़ दिया, पास में नहीं आती, कहते पानी पिलाओ, के बोला आज खुद उठा के फिर उन्हें गिलास लेके, मैं पोते को खिला रही हूँ, अब वो पोते की टट्टी साफ कर रही है लेकिन पति की नहीं कर रही। भार्या सुसोसते, घरवाली भी बुढ़ापे में वो प्यार नहीं, पास में नहीं आती, अब बूढ़ा क्या कहे, हा कष्टम, माथा पीटे और रोए, हद हद तेरे बुढ़ापे की, तू एक ऐसा है बेशर्म के आया और फिर जाता ही नहीं है। बुढ़ापा कहता है मैं तो आपका पक्का दोस्त हूँ, आपको लेके ही जाऊंगा। जवानी गई, बचपन गया, सबने आपका साथ छोड़ा, लेकिन मैं ऐसा कच्चा दोस्त नहीं हूँ आपका, मैं तो पक्का हूँ, आपको लेके जाऊंगा। तो लेके जाता है, कहते कैसा ये बुढ़ापा है, पुत्रों पे मित्र आए थे, जो बेटा जिसको हम समझते हैं ये हमको सहारा दे, वो शत्रु बन जाता है बेटा। तो ये कैसा है, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन ज्ञान अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी त्याग श्रेष्ठ है, त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वो त्याग कब करोगे ये बताओ, हम सारा काम करते हैं, ज्ञान की बातें भी करते हैं, घंटों करते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं कभी कभी, ध्यान भी कर लेते हैं पर त्याग नहीं करते हैं, तो क्यों, त्याग तो समझिए एक दिन जब मरेंगे तो सब त्याग कर देंगे, उस समय सारे कब करोगे त्याग, सारा मरेंगे तो सारा है, बड़े दयालु हैं, कहते उस समय हम सभी त्याग कर देंगे, अभी तो आप कहते हो खाली घर का त्याग करो और विषय भोगों का त्याग करो, हम कहते हैं कि उस समय हम सबका त्याग कर देंगे,
बेटों का, बहुओं का, पोतों का, और जितने जेवर हमने पहने हुए हैं सोने के, उनका सबका त्याग। तो इसे मालूम होता है कि आप हैं तो सब त्यागी, पर त्याग आप चाहते हैं कि मरने के बाद करें, जीते जी न करें, तो शांति भी फिर आपको मरने के बाद ही मिलेगी। जीते जी आपको शांति नहीं मिलनी है। वो कहते हैं त्यागात शांति रनंतरम, त्याग के बाद शांति मिलेगी, और शांति मिली परमात्मा की प्राप्ति होगी। पर ऐसा भक्त बनने के लिए क्या क्या में होने चाहिए लक्षण? अब यहाँ से लक्षण शुरू होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच मे प्रियः, अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ, सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः, ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इस बारहवें अध्याय की क्या बात करें, नाम इसका है भक्ति योग। और अगर इसको एक एक श्लोक का एक दिन दिन लें, 20 दिन में ये पूरा होता है, बड़ा आनंद आता है। अपने वो तो एक घंटे में 2 अध्याय करने, अभी 12वां और 13वां भी करने। अभी थोड़ी सी बात बताऊं, एक विलक्षणता इसमें क्या है, बड़ी अजीब विषय।
अध्याय का नंबर है कौन सा? 12। और इसके अंदर अभी जो आपने लक्षण पढ़े हैं भक्त के, ये भक्त के लक्षण है 39। 39 लक्षण हैं, तो 39 हुए 3 और 9, तब 39 बनते हैं ना। तो 3 और 9 कितने होते हैं? वो भी 12 हो गए। तो इसमें लक्षण भी 12 पर आते हैं, अध्याय भी 12वां आता है, और इसमें अक्षर जो हैं पूरे अध्याय के अंदर 705 अक्षर हैं। तो उनको जोड़ो कितना होता है? 7 और 5, तो भी 12। और इसमें जो ये वर्ड्स हैं, पद जो हैं, वो भी 264 हैं। तो 264 को जोड़ो कितने होते हैं? वो भी 12। तो इसके वर्ड्स भी 12 में आते हैं, इसके अक्षर भी 12 में आते हैं, इस अध्याय का नंबर भी 12 में आता है, और श्रीमद् भागवत पुराण में स्कंद भी 12 ही हैं, और सूर्य के भी नाम 12 ही हैं, और हमारे सारे संसार की गिनती जो होती है वर्षों के ऊपर, उम्र वगैरह की होती है ना, तो वर्षों में होती है। वर्ष में महीने कितने होते हैं? उसमें भी 12 ही होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी के महीने हो, बरस हो, चाहे मुसलमानों के बरस हो, महीने 12। बड़ी विचित्र बात है, 12 में कोई गूढ़ रहस्य जरूर भरा हुआ है। हर जगह 12 12 पद व्यूह में, चरण व्यूह में, और ये लक्षण भक्तियां हैं तो वो भी 12 के ऊपर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे।